दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HDFC बैंक और HDFC के विलय के बारे में कि इन दोनों का मर्जर क्यों हुआ और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। भारतीय स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर यही रही है कि HDFC और HDFC बैंक दोनों का मर्जर हो गया है। HDFC ने एक्सचेंज को जानकारी देते हुए बताया कि 4 अप्रैल 2022 को हुई बोर्ड मीटिंग में HDFC को HDFC बैंक में विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें HDFC की सब्सिडरी कंपनी जैसे कि HDFC होल्डिंग्स और HDFC इन्वेस्टमेंट को HDFC बैंक में विलय किया जाएगा। वहीं इस डील से HDFC बैंक में HDFC की 41% की हिस्सेदारी हो जाएगी। कंपनी ने बताया कि शेयर होल्डर्स को HDFC के 25 शेयर के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 10 शेयर हैं तो मर्जर के तहत आपको 17 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का अनुमान है। वहीं बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स के वेटेज की तो ताज़ा रिपोर्ट 31 मार्च 2022 के मुताबिक 11.9% के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर, तो वहीं 8.67% के साथ इंफोसिस लिमिटेड दूसरे स्थान पर और 8.51% के साथ HDFC बैंक तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस मर्जर के बाद HDFC बैंक और HDFC दोनों के मार्केट कैप को जोड़ के देखा जाए तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मार्केट कैप से कहीं आगे निकल जाएगा। इस घोषणा के बाद HDFC बैंक का शेयर लगभग 9% और HDFC बैंक का शेयर 10% के ऊपर चला गया है। वहीं HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि यह बराबरी का मर्जर है। दीपक पारेख का मानना है कि रेरा के लागू होने, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार की पहल जैसे तमाम दूसरी चीज़ों के कारण हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में बड़ी तेज़ी आएगी। दीपक पारेख ने आगे कहा है कि पिछले कुछ साल में बैंकों और NBFC के कई रेगुलेशन बेहतर हो गए हैं, जिस कारण से विलय की संभावना बनी। इससे बड़ी बैलेंस शीट को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के इंतजार का मौका मिला। इसके साथ ही इकोनॉमी की क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ गई है, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिला और कृषि सहित सभी प्रायोरिटी सेक्टर को पहले से ज़्यादा कर्ज दिया गया है। अब बात करते हैं HDFC और HDFC बैंक में क्या अंतर है। HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर बनाने, दुकान खोलने सहित अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें HDFC बैंक की तो इसमें बैंक से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे कि सभी तरह के लोन प्रोवाइड करना, कस्टमर के अकाउंट खोलना, किसी का FD ओपन करना, इस तरह के सारे कार्य बैंक में किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें।